सत श्री अकाल जी सारे नु, मैं सोनू पाजी स्वागत करता हूँ आपका बावा लग्जरी कार के नए ब्लॉग में। आज का वीडियो शुरू कर दो, पहले एक बार पूछ लेने हैं, हाँ जी कितना ही तुझे सारे होप करना वधिया ही होगी और वधिया रहना। दोस्तों आप लोगों की हैवी डिमांड पे एक बार फिर हम शूट करेंगे बावा लग्जरी कार का पूरा स्टॉक, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मोर देन 85 कार्स अंडर वन रूफ। ये वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको दो पार्ट में। सो मेरे भाइयों ने जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी आप इंजॉय करें गाड़ियों के सिनेमेटिक शॉट्स। फिर मैं आता हूँ इसकी डिटेल पे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली गाड़ी से जो कि रहने वाली है जीप कंपास। अब मैं बताता हूँ इसकी डिटेल। 2017 का मॉडल, मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल के अंदर ये गाड़ी है, दिल्ली रजिस्टर्ड एक कार है, सेकंड ओनर एक कार है, इंश्योरेंस इसके वैलिड है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 11,45,000 में, ओनली 11,45,000 में ये रेड ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है फ्रेंड्स वो रहने वाली है मर्सिडीज की S350। 2011 का मॉडल, यूपी रजिस्टर्ड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल के साथ ये गाड़ी है, सेकेंड ओनर ये कार है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 9,75,000, ओनली 9,75,000 में मर्सिडीज S350 यूपी रजिस्टर्ड बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। आ चुके हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है जैगवार XF। 2015 का मॉडल, सिर्फ 21,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, इंश्योरेंस इसकी वैलिड है, दिल्ली रजिस्टर्ड कार है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 18,75,000 में, ओनली 18,75,000 में नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन जैगवार XF 2.2 लीटर बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स हमारी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है BMW 530D GT। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2013 का मॉडल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पैनारोमिक सनरूफ के साथ ही गाड़ी है, अराउंड 80,000 चली हुई है, दिल्ली रजिस्टर्ड एक कार है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 13,45,000 में, वो GT 530D बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है इनोवा क्रिस्टा। अब मैं बताता हूँ इसकी डिटेल। 2018 का मॉडल, सिंगल ओनर कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2.8G वेरियंट के अंदर ये गाड़ी है मैं और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 17,50,000 में, ओनली 17,50,000 में इनोवा क्रिस्टा बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है TUV 300। 2017 का मॉडल, HR रजिस्टर्ड, सेकेंड ओनर कार है, मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल के अंदर ये गाड़ी है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है मात्र 4,45,000, ओनली 4,45,000 में महिंद्रा TUV 300 बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स हमारी जो अगली गाड़ी वो रहने वाली है ऑडी A6 मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2016 का मॉडल, HR रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर एक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल, सनरूफ के साथ ही गाड़ी है और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 21,75,000। HR रजिस्टर्ड 2016 का मॉडल ऑडी A6 मैट्रिक्स बना सकते हो अपनी सिर्फ 21,75,000 में बावा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है ऑडी की Q7। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2013 का मॉडल, सेकेंड ओनर कार है, HR रजिस्टर्ड गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल, पैनारोमिक सनरूफ के साथ ये गाड़ी है और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो सिर्फ 13,95,000 में, ओनली 13,95,000 में सिल्वर कलर की ऑडी Q7 बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है हुंडई क्रेटा। 2015 का मॉडल, मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल के साथ ये गाड़ी है, अराउंड 36,000 चली हुई है, दिल्ली रजिस्टर्ड कार, सिंगल ओनर एक कार है और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 6,95,000 में, ओनली 6,95,000 में 2015 हुंडई क्रेटा बना सकते हो आप अपनी बावा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट कार है वो रहने वाली है BMW की 520D। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2014 का मॉडल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल, सनरूफ के साथ ये कार है,
सिंगल ओनर एक कार है, दिल्ली लिस्टेड एक कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो सिर्फ 15,95,000 रुपये, ओनली 15,95,000 में डार्क ब्लू कलर की 520D बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो नेक्स्ट कार है वो रहने वाली है मर्सिडीज की C200, 2013 का मॉडल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पेट्रोल सनरूफ के साथ ये कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 9,25,000 रुपये। दिल्ली रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, आप इसको बना सकते हो अपना 9,25,000 में बाबा लग्जरी कार आके। सो आ चुकी है अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है फोर्स की फोर्स वन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2012 का मॉडल, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है, सिंगल ओनर एक कार है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 3,45,000 में। सही सुना, सिर्फ 3,45,000 में ये वाइट क्लियर की फोर्स वन बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है दोस्तों वो रहने वाली है ऑडी की A6, 2015 का मॉडल, HR रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर एक कार है, रेड कलर के अंदर एक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ही गाड़ी, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 14,95,000 में, ओनली 14,95,000 में रेड ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। आ चुके अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है रेंज रोवर स्पोर्ट्स, 2013 का मॉडल, दिल्ली रजिस्टर्ड एक कार है, सिंगल ओनर एक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ही गाड़ी है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 23,75,000 रुपये, ओनली 23,75,000 में रेंज रोवर स्पोर्ट्स वाइट कलर की बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है जैगवार की XF, 2013 का मॉडल, सेकंड ओनर एक कार है, HR रजिस्टर्ड एक कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 11,45,000 में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ये गाड़ी है, ये ग्रीन कलर की ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी सिर्फ 11,45,000 में बाबा लग्जरी कार आके। आ चुके अपनी अगली गाड़ी पे, जो कि रहने वाली है मर्सिडीज की GL350, 2014 का मॉडल, दिल्ली रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर एक कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ मूनरूफ के साथ ही गाड़ी, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 23,50,000 रुपये, ओनली 23,50,000 में मर्सिडीज GL350 बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। आ चुकी है अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है BMW की X5, 2014 का मॉडल, सिंगल ओनर, दिल्ली रजिस्टर्ड एक कार है, ओनली 43,000 ड्रीवन ये कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 28,00,000 रुपीज, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल पैनारोमिक सनरूफ के साथ ये गाड़ी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है ऑडी की A6, 2015 का मॉडल है, सिंगल ओनर ये कार है, दिल्ली रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 14,75,000 रुपये, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ये गाड़ी है, ये वाइट ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी 14,75,000 में सिर्फ बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है ऑडी A8L, 2013 का मॉडल, HR रजिस्टर्ड कार है, अराउंड 66,000 चली हुई है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 16,75,000, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ये गाड़ी है, इसको आप बना सकते हो अपना सिर्फ 16,75,000 रुपये में बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है हुंडई सिंटेफी, 2014 का मॉडल, UP रजिस्टर्ड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल के साथ ये गाड़ी है, सिंगल ओनर एक कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो सिर्फ 8,45,000, ओनली 8,45,000 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल वाली हुंडई सिंटेफी बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है BMW की 525i, 2008 का मॉडल, पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ के साथ ये कार है, सिंगल ओनर ये कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 4,95,000 रुपीज़, ओनली 4,95,000 में ये डार्क ग्रे कलर की 525i पेट्रोल की बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है ऑडी की A6 मैट्रिक्स, 2016 का मॉडल, HR रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर ये कार है, सिर्फ 42,000 चली हुई है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है 22,75,000 रुपये, ओनली 22,75,000 में ऑडी A6 मैट्रिक्स 2016 मॉडल वाइट कलर की बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी अगली गाड़ी है वो रहने वाली है स्कॉडा सुपर, 2014 का मॉडल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल सनरूफ के साथ ही कार है, सेकंड ओनर एक कार है, दिल्ली रजिस्टर्ड एक गाड़ी है, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 5,95,000 रुपये, ओनली 5,95,000 में स्कॉडा सुपर डीजल 2014 मॉडल बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है ब्लैक ब्यूटी, 2010 का मॉडल, E200। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2010 का मॉडल, पेट्रोल,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ के साथ एक आ रहा है, एचआर रजिस्टर्ड एक गाड़ी है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो सिर्फ 8,45,000 रुपए, ओनली 8,45,000 में मर्सिडीज E200 पेट्रोल की बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। आ चुकी अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है GLE 250, 2016 का मॉडल, डार्क ब्लू कलर, सिंगल ओनर गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल के अंदर एक कार है, एचआर रजिस्टर्ड एक कार है, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 30,75,000 रुपए, ओनली 30,75,000 में मर्सिडीज GLE 250 बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स, हमारी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है फोर्ड इंडेवर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। एचआर रजिस्टर्ड 2016 का मॉडल है, 2.2 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल के साथ ये गाड़ी है, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो सिर्फ 16,75,000 रुपए, सिर्फ 16,75,000 में डार्क ग्रे कलर की फोर्ड इंडेवर बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है मारुति की स्विफ्ट, 2018 मॉडल, LDI मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल के अंदर ये गाड़ी है, सिंगल ओनर ये कार है, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 5,25,000 रुपये, सिर्फ 5,25,000 में मारुति की स्विफ्ट LDI बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। हमारी जो नेक्स्ट कार है फ्रेंड्स वो रहने वाली है फोर्ड इंडेवर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। 2017 का मॉडल, 3.2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटो पार्क, सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ के साथ ये गाड़ी है, डीजल के अंदर ये कार है, सेकेंड ओनर ये कार है, दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी, और जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 23,75,000, सिर्फ 23,75,000 में बाबा लग्जरी कार आके वाइट ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी। अपनी जो अगली गाड़ी है वो रहने वाली है हुंडई सेंटाफे, 2014 का मॉडल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल 4x4 के साथ ये गाड़ी है, दिल्ली रजिस्टर्ड कार है, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 8,75,000 रुपए, सिर्फ 8,75,000 में हुंडई सेंटाफे 2014 मॉडल, सिल्वर कलर की बना सकते आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपनी आज की लास्ट गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है हुंडई एलेंट्रा, 2013 का मॉडल, दिल्ली रजिस्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ के साथ ये कार है, सिंगल ओनर ये गाड़ी है, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है सिर्फ 3,95,000 रुपए, ओनली 3,95,000 में हुंडई एलेंट्रा डीजल व्हाइट ब्यूटी बना सकते हो आप अपनी बाबा लग्जरी कार आके। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा आज जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई है ये सिर्फ पार्ट 1 दिखाया आपको, बाकी का जो हमारा स्टॉक है रिमेनिंग वो आएगा हमारे सेकंड पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में मोर देन 85 कार्स कवर करना इम्पॉसिबल है। बाकी नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको कार्स दिखाई हैं, इन गाड़ियों की डिटेल आप मंगा सकते हो। आप खुद हमारे शोरूम आके किसी भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराने के बाद, उसकी इंस्पेक्शन कराने के बाद उस गाड़ी को बना सकते हो आप अपना। ऊपर हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, आप उस पर भी विजिट करके हमारा बाकी का स्टॉक चेक कर सकते हो। हमारा स्टॉक जो सबसे पहले अपडेट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। आप लोगों बताना चाहूंगा NOC हम हर स्टेट की प्रोवाइड करवा देते हैं, बट उसका जो भी एक्सपेंस होता है आप लोगों को एडिशनली पे करना पड़ता है। बाबा लग्जरी कार की सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि ई माया मॉल पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में है, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो।